नमस्ते जी, मेरा नाम है संदीप कुमार भारती। आज है 24 मार्च 2022 और स्वागत है आप सभी का अहमदाबाद जंक्शन पे। आज हम सफर करेंगे 20947 अहमदाबाद एकता नगर जन शताब्दी में। जो एकता नगर है ना, इसका पहले नाम था केवड़िया, आप लोग जानते ही होंगे। और हम लोग सफर कर रहे हैं विस्टाडेमा कोच में, तो इसका मतलब पूरा झुकी हुआ देखने को मिलेगा इस वीडियो में। और यहाँ से ये चलती है 7:55 पे और आपको छोड़ेगी केवड़िया यानी कि एकता नगर 10:40 पे। और जो टोटल डिस्टेंस है अहमदाबाद से एकता नगर की, वो है 183 किलोमीटर। टाइम लगेगा 2 घंटा 45 मिनट। तो आज हम इससे सफर करेंगे। देख रहे हैं हमारी विस्टाडोम कोच लगी है और सामने इंजन है, तो इसमें एक ही विस्टाडोम के कोच है। समय हो रहा है 7:54 और ट्रेन हमारी निकल चुकी है। ठीक, ये देखिए और इंजन इधर है भाई, गजब। लेकिन मजा आएगा जब वही में इसका इंजन चला जाएगा आगे, तो फिर पीछे का व्यू मिलेगा भाई, मजा आएगा। कोच का भाई अलग ही माहौल है। और इसका ऑटोमेटिक डोर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है कि भाई तुरंत बंद हो जाएगी, लेकिन हाँ खुलने से पहले ट्रेन में भाई बैठ जाइएगा तो और अच्छा रहेगा। 14 सीटें भी खाली है, ठीक है, करेंट यानी कि अब खाली ही जाएगी 14 सीट, बाकी सब फुल है भाई। टोटल 44 सीट है इसमें, जिसमें से 14 खाली है यानी कि 30 लोग हैं इसमें। और मजा आने वाला है इनका, देखिए माहौल ही अलग है भाई। लग रहा है ना उसमें कोच में, तो और लग रहा है कि पूरा खुला खुला अपने ही घर आ गए है ना, गजब मजा आ रहा है भाई साहब। और ही भाई इंजन अलग अनुभव। इस ट्रेन का 2 स्टॉपेज है, एक है नडियाड जंक्शन पहला और दूसरा है बड़ोदरा जंक्शन। तो हम लोग आ चुके हैं अभी बड़ोदरा जंक्शन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी है। अहमदाबाद से बड़ोदरा जंक्शन की दूरी 100 किलोमीटर है और बड़ोदरा जंक्शन को 1861 में ओपन किया गया था। तो ये जो सीट है नीचे है, यहाँ इसको पुश करना है, ठीक ओके बैठ सकते हैं। और ट्रेन जिस दिशा में अभी तो एक दिशा है, तो अभी हम फिर घुमाएंगे और यहाँ पे भी ऐसे करके भी आप एकदम आनंद ले सकते हैं। और व्यूज देखिए कितना मस्त आ रहा है। अब इसमें दिखाते हैं आपको, यहाँ पे आपको एक टेबल मिल जाता है, ठीक, इसको ऐसे ओपन करना है, ठीक है, फिर इधर इसको ऐसे निकालना है, ठीक, और इसको ऐसे और फिर इसको ऐसे आप यहाँ पे कुछ खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे इस ट्रेन में फूड या चाय कुछ भी इस टिकट में इंक्लूड नहीं है और ना ही इसमें सर्व भी नहीं किया जाता है, ठीक है। और इस टेबल को फिर फोल्ड करके ऐसे और फिर ऐसे करके यहीं पे ही डाल देना है, ठीक, और इसको ऐसे कर देना। अब बताते हैं पुश बैक करने के लिए, यहाँ पे एक बटन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, उसको ऐसे दबाएंगे, ओके, ये आ गया। अभी देखिए पीछे करते हैं, इसको ऐसे करके और ऐसे, ठीक, और आप पीछे इसको ले सकते हैं और ये सीट को भी आप घुमा सकते हैं। लेकिन अगर फैमिली है ना तो देखिए जैसे ये दो हो गया और ऐसे करके अभी हम लोग घुमाते हैं इस सीट को, ठीक, अभी देखिए हो गया यहाँ पे, देख 4 लोग हैं आपके फैमिली है तो यहाँ पे 2 बैठ जाएंगे, घूम जाएगा, ठीक। और यहाँ पे चार्जिंग के लिए दिया गया है। और इस ट्रेन में भाई सीसीटीवी कैमरा है, देखिए एक वहाँ से है, ठीक है, और ये जो है वो दर्शाता है कि अगर ग्रीन है टॉयलेट में कोई नहीं है, ठीक, और ये लाइट काम नहीं कर रहा है, जैसे कि तेजस में होता है, शताब्दी में होता है इधर लगेज रखने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें लगेज रखने के लिए इधर आपको स्पेशली बनाया गया है, ठीक, तो इसमें आप अपना लगेज रख सकते हैं। और इसका टॉयलेट आपको दिखा देते हैं, कुछ ऐसा ही दोनों वेस्टर्न ही स्टाइल में, ठीक, ये देख लीजिए कुछ ऐसा टॉयलेट है भाई, ठीक है, पानी आ रहा है, हाँ पानी वानी सब आ रहा है, ठीक, बाकी सब क्लीन है भाई, टॉयलेट भी क्लीन है। तो अभी हम आ चुके हैं इधर, जो कि आप खड़ा रह सकते हैं इधर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम लोग का इंजन लगी है, जो कि दुबई करके कोई स्टेशन है, ठीक, वहाँ पे इंजन चले जाएगी आगे और यहाँ से हम पीछे का नज़ारा हम लोग देखेंगे उस समय, ठीक, तो मज़ा आने वाला है भाई साहब, ठीक। और ही देखिए कुछ मतलब अलग ही दृश्य है, एक अलग अनुभव। आप अगर कभी भी केवड़िया जा रहे हैं, ठीक है, तो इस जन शताब्दी में विस्टाडोमा कोच में जरूर ट्रेवल करिए। और अगर ये अनुभूति क्लास में आता है, जब आप कभी भी टिकट बुक करें तो इसको अनुभूति क्लास में टिकट बुक करिएगा, ठीक है। और ये देखिए भाई क्या नज़ारा है, मतलब आप सब क्या कहें, गजब देखिए। और जब पंखा भी है अगर चालू करना ना, इस कंपार्टमेंट में एसी नहीं चलता है, उधर ही चलता है अंदर। और जब पंखा भी है आराम से पंखा चल करिए, अगर ज़्यादा आपको लग रहा है गर्मी तो, ठीक है, हमको तो ठीक है भाई अभी,
मजा। अभी हम लोग हैं डबोई जंक्शन पे, यहाँ पे कोई ऑफिशियल ब्रेक नहीं है लेकिन यहाँ पे इंजन इसका चेंज होता है। अब देखिए पीछे का, अब इस डायरेक्शन में हमारी ट्रेन जाएगी। हम लोग इस डायरेक्शन से आए हैं, अब इस डायरेक्शन से यहाँ से रूट डाइवर्टेड। तो अब बता रहे थे भैया कि लाइन उधर बन रही है और 6 महीना बाद इंजन चेंज करने की नौबत नहीं आएगी, डायरेक्ट ट्रेन चलेगी। और अब पीछे का नज़ारा भाई इसमें मिलेगा, ठीक। और इधर देखिए कुछ ऐसा। तो अभी देखिए हम लोग पीछे देख रहे हैं ऐसे कुछ, ठीक। और इंजन कट गया है जो आगे चला गया, और यहाँ पे खूब पैसेंजर है हमारे संग, सब लोग यहाँ पे, ठीक है। पूछते हैं कैसा लग रहा है अनुभव, कैसा इस ट्रम कुछ का? बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, पूरा का पूरा नेचर, पूरे पूरा का पूरा नया, पूरा एकदम मतलब मस्त दिखाई दे रहा पूरा शीशा में। पीछे का मतलब एक अलग अनुभव मिलेगा आपको इस ट्रम में, ठीक। और गुजराती में कैसे कहते हैं, मतलब कि आप कभी भी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जा रहे हैं तो इसमें जरूर आइए, कैसे कहेंगे? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एक वक्त तो जरूर मुलाकात लेंगे जो इन्हें ट्रेन में जवाए। गुजराती भाषा में आपको बताया गया कि अगर आप मतलब आ रहे हैं अगर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तो आप विस्टोरियम ऑफ से आ सकते हैं अहमदाबाद से। अब बात कर लेते हैं इसका टिकट की, तो आप IRCTC के वेबसाइट पे इसका टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक। इसमें 4 तरह का कोच है, एक जो सेकंड सीटिंग है, एक चेयर कार है, और एक है चेयर एग्जीक्यूटिव क्लास, और जिसमें हम लोग सफर कर रहे हैं EA है, ठीक, यानी कि अनुभूति क्लास, ठीक। तो अगर आप कभी भी विस्टोरियम ऑफ कोच का टिकट कर रहे हैं तो EA में करिएगा, ठीक है, क्योंकि अनुभूति क्लास है। कितना लोग है ना कि एग्जीक्यूटिव क्लास में कर लेते हैं और सोचते हैं कि इसमें हो गया, तो जब से जो सबसे महंगा वाला टिकट होगा ना उसी को करिएगा, ठीक, तो आप इसमें सफर कर पाएंगे, ठीक। अब बताते हैं जो टिकट का फेयर क्या है, जो सेकंड सीटिंग का जो फेयर है अहमदाबाद से लेकर एकता नगर का वो है 120 रुपये, हाँ। और जो चेयर कार का टिकट है अहमदाबाद से एकता नगर का ही 395 रुपये, और जो एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट है उसका फेयर है 960 रुपये, और जिसमें हम लोग सफर कर रहे हैं विस्टोरियम कोच में, तो इसका टिकट का जो फेयर है वो है 1030 रुपये, और ये डायनेमिक फेयर है इस ट्रेन का, तो कभी भी मतलब टिकट ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखें, और ई देखिए इतना मस्त लग रहा है। अगर आप कभी भी आ रहे हैं ना भाई तो विस्टोरियम कोच में जरूर सफर करिए, ठीक। और ये इधर से जाएगी रात को 8:00 कुछ मिनट पे टाइम है इसका, ठीक। अभी तो एक ही चल रही है, और ये जो डबोई है ना वहाँ से सिंगल लाइन है एकता नगर के लिए। आपका नाम क्या है? पारस। क्या? पारस गुप्ता। कहाँ से आए हो? शाहजहानपुर से। शाहजहानपुर कहाँ है? यूपी में। यूपी है ना? अच्छा, कहाँ जा रहे हो? मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। ओके, इस ट्रेन में सफर करके कैसा मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है। कभी किया था इस सफर ऐसे ट्रेन नहीं, पहली बार आया हूँ मैं तो, वैसे यहाँ पर तो पहली बार आया हूँ, वरना ट्रेन में तो सफर कर चुका हूँ। विस्टोरियम कोच में पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, पहली बार मजा आ रहा है। चलो बढ़िया, एंजॉय करो। इनका भाई लग रहा है, हंस रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं, ऐसे देख रहा था। चलो ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का एकता नगर रेलवे स्टेशन पे, जिसका पहले नाम था केवड़िया, और ये रही हमारी विस्टाडोम कोच, और हम लोग यहाँ से निकलेंगे स्टेचू ऑफ यूनिटी के लिए। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू सो मच।